तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, लेकिन इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे का पढ़ाई का जिम्मा, ये नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। जन स्वराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का गुरुवार को मधेपुरा में 7वें दिन पदयात्रा हुआ। बता दें कि पदयात्रा की शुरुआत लग्जरी से हुई, जहां पर उन्होंने गोपालपुर में स्थानीय लोगों से बातचीत कर सिंघार होते हुए आलमनगर पहुंचे। गांव के लोगों ने प्रशांत किशोर की पदयात्रा का स्वागत बैंड बाजा और ढोल नगारों के साथ किया और इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की भीड़ भी देखने को मिल गई, जहां से प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधन दिया और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है। उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का, आपका पति बेटा भाई बाहर गया है मजदूरी करने, जितना लोग यहां मजदूर बन के बैठे हुए हैं काम के बिना, उसको नौकरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे का पढ़ाई का जिम्मा, पूरा जिम्मा, उसका कपड़ा खाना पढ़ाई का पूरा जिम्मा सरकार उठाएगी, जनता का सरकार उठाएगी। और तीसरा और अंतिम संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितना महिला पुरुष यहाँ हैं, ये नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। बिहार सरकार के खजाना में हर साल आपका पैसा जमा होता है 2.5 लाख करोड़ रुपया, और 2.5 लाख करोड़ में से आपको दे रहा है 400 रुपया। तो ये जन स्वराज का संकल्प है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो पहले महीना से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बोलो, मुंह बंद रखोगे तो कुछ नहीं बुझाएगा। जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मधेपुरा में आम सभा में आए हजारों लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी क्रम में जन स्वराज का दूसरा संकल्प है कि जिनके बच्चे 15 साल से कम आयु के हैं, उन्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में जिनका बच्चा 15 साल से कम उम्र का होगा, उन बच्चों का पढ़ाई, कपड़ा और खाने में आ रहे पूरा खर्च की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके साथ ही जब अगले साल जनता का राज होगा, तब नली गली बने चाहे ना बने, साल भर के अंदर जितने भी आपके घर के लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर गए हैं, उन्हें वापस बुलाकर बिहार में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और इसके आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज का दूसरा संकल्प है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था करेंगे, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े।